नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात करें मोशन इन प्लेन के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोला गया पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट पी एट अ टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, है ना। ये इस पॉइंट पर एक पार्टिकल है, उसको रिलीज किया गया है यहाँ से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? जीरो। एट द सेम टाइम अनदर पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ओ, यहां से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया एज शो इन द फिगर एंड इट कोलाइड्स विद द पार्टिकल पी एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी इज अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना। जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो ये क्या, ये 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल ये कवर कर लेंगे, है ना, अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, अब ये नीचे की तरफ ग्रेविटी हमसे बोला गया। इफ द टू पार्टिकल्स कोलाइड 2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, जब इनको रिलीज किया और इसको थ्रो किया गया तब ये 2 सेकेंड के बाद आपस में टकराते हैं। ठीक, तो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द वी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ विच वॉज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ, पॉइंट ओ इज नॉट नेसेसरली ऑन ग्राउंड। अगर मान लो ये ग्राउंड पर नहीं है, मान लिया कि हमने ये ग्राउंड पर है ना, ये कहाँ पर है, 0.0 पर है। ठीक, अब बात करते हैं, तो नीचे वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो गया अपना। अब यहां से देखो कि हमको चाहिए क्या चीज भाई, क्या पूछा है इसने अपने से, इनिशियल वेलोसिटी पूछा, v पूछा हमसे, है ना। ये तो अगर मैं यहां पे इसके कंपोनेंट्स लेता हूं तो क्या कंपोनेंट्स बनेंगे बेटा, ये बनेगा v cos थीटा और ये ऊपर वाला बनेगा v sin थीटा। ठीक है, अब देखिए कि इस पार्टिकल को यहां से यहां तक, क्योंकि ये तो एकदम स्ट्रेट सीधा सीधा आएगा, ऐसे कैसे गिरेगा बेटा, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा नीचे की तरफ, है ना, ऐसे सीधा। लेकिन ये पार्टिकल जो है ये ऐसे जाएगा, तो यहां पर इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक, तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल की बात की जाए मेरे से, तो क्या लिखूंगा बेटा मैं यहाँ पे कि 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हो गई वी कॉस थीटा और इंटू टाइम, टाइम तो टाइम कितना दिया बेटा यहाँ पे, टाइम की वैल्यू दे रखी है मुझे 2 सेकेंड। ठीक है, यहां पर v cos थीटा हमने t cos टू पुट कर दिया बेटा 2 सेकेंड, तो v cos थीटा इक्वल टू आएगा 1, ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल से हमने v cos थीटा की वैल्यू निकाल लिया, लेकिन अभी हमको थीटा नहीं मिला, ना ही हमारे पास v है। ठीक है, तो आगे क्या करें हम यहाँ पे कि अब वर्टिकल डायरेक्शन के लिए बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये इसको ओरिजिन माना हमने, अगर यहाँ पे देखें अपन, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, ये 0 हो गई बेटा और इसकी क्या हो जाएगी v sin थीटा। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे सेकेंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो रिलेटिव में अगर बात करें यहां पर, तो ये जो g होगा s होगा वो कितना हो जाएगा बेटा -10, क्योंकि ओरिजिन अपन ने ऊपर लिया। u रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी आपकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा v sin थीटा, है ना, 0 माइनस माइनस वी साइन थीटा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा इंटू टी और माइनस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड में माइनस जी और टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू हमारे पास 2 है बेटा, है ना, और इस 2 से एक 2 का स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो 2 है इससे ये कैंसिल आउट करते हैं अपन यहाँ पर, तो ये वैल्यू आएगी 5 माइनस में 5। ठीक है, तो माइनस 5 इज इक्वल्स टू v sin theta माइनस 10। अब ये माइनस 10 इधर जाएंगे तो v sin theta इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई अपने पास यहाँ पे 5 प्लस। ठीक है, ये हो गया अपना सेकेंड। तो हमको v चाहिए, तो हम v के लिए क्या करेंगे बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ v sin theta का होल स्क्वायर प्लस v cos theta का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे यहां पर जब हम इन दोनों की वैल्यूज रखेंगे तो क्या मिलेगा भाई हमको यहाँ पे √26। ठीक, मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से हमको थ्रो करना पड़ेगा उस पार्टिकल को। और अगर एंगल की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन 2/1 करेंगे तो वी भी कैंसिल आउट, साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना होगा 10 थीटा और वैल्यू आएगी 5। तो ये सेकेंड अपनी वैल्यू आ गई अगर एंगल पूछा हो तो। ठीक, तो इस टाइप के बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि घर बला तो